हेलो शिफान सैमुअल, कैसे हैं आप? कैसे हैं जी, ठीक ठाक हैं। आई एम गुड सर। आज हम स्पेशली इस्लामाबाद आए हैं आपकी हॉबी को देखने। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो डॉग आपने पकड़ा हुआ है, ये कहाँ से इंपोर्ट किया है, क्या ब्रीड है? सर ये हमारा होम ब्रीड है और ही इज अबाउट 5 years old एंड इसका जो सायर है वो फरीदुल्ला खान का चॉकलेट डॉग है कॉन्करर, जो उन्होंने इंग्लैंड से इम्पोर्ट किया था। और फीमेल मेरी अपनी एक थी, हमने जो परचेज की अंदर जो आपने देखा, शी इज़ अराउंड 10 years old नाउ। और ये शोज़ के अलावा ऑफ कोर्स इसको डक रिट्रीविंग पे भी है ये, और फॉर द लास्ट 5.5 years ये हमारे पास ही है, होम ब्रेड है। और इसने और इसकी एक और लिटर मेट है, दोनों ने अपने चैम्पियनशिप भी पूरी की हुई है फ्रॉम KCB। वाओ सुपर। ये कौन से ब्रीड है? ये जी पॉइंटर है, जनरली लोग इसको इंग्लिश पॉइंटर भी कहते हैं, वैसे है एक्चुअली ये FCI में इसको कहेंगे तो पॉइंटर्स कहते हैं, पॉइंटर्स ग्रुप में आता है, पॉइंटर कहते हैं इसे। एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ कोर्स UK है। एंड ये फेस है, इज़ अबाउट 5.5 years old और इसको हमने इम्पोर्ट किया है फ्रॉम पोलैंड। एंड ही इज़ बीन विद मी फॉर अबाउट, जब ये आया था अभी 1 year 7 months का था, तो ये अपना हंटिंग जो सर्टिफिकेट वहाँ से लेके आया था। ही इज़ ट्रेंड फॉर द फील्ड और अदर देन दैट ये पाकिस्तान चैम्पियन भी है। ही इज़ जूनियर चैम्पियन ऑफ पोलैंड, जूनियर चैम्पियन ऑफ लिथुएनिया एंड जूनियर चैम्पियन ऑफ हंगरी एज वेल। और ये जो थर्ड फीमेल है, इसके वेयर अबाउट्स बताएंगे, ये कहाँ से इम्पोर्ट किए, क्या लाइन्स है? ये भी जी पॉइंटर है एंड शी इज़ ब्रेड, इसके दोनों पेरेंट्स इम्पोर्टेड हैं। खावर इज़ भी मेरे जो साथ दोस्त भी हैं और हम शौक भी इकट्ठा करते हैं, तो उन्होंने एक कुत्ता इम्पोर्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से, स्टिग, वो इसका सायर है। और इसकी जो डाम है वो है बुनिया, वो भी पोलैंड से इम्पोर्टेड पॉइंटर है। तो शी हैज़ अ मिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड की लाइंस है, चेस्टर ओक की। तो शी इज़ ऑल्सो अराउंड 4.5 years old और ये बेसिकली ज़्यादा शोज़ पे इसका जो है और ब्रीडिंग के लिए इसको रखा हुआ है। आप इन डॉग्स को क्या रेट देते हैं और आपके ख्याल से क्या इनके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? सर देखिए, डिपेंड्स ऑन, आई थिंक पॉइंटिंग के लिए पॉइंटर का कोई मैच नहीं है। इट्स अ डॉग दैट इज़ एलिगेंट, इट्स नोबल, इट्स ब्रेव एंड इट्स अ डॉग दैट हैज़ वेरी हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बट उसमें सम पीपल प्रेफर के जी ऑलराउंडर डॉग चाहिए, तो जर्मन शॉर्ट हेयर पॉइंटर थोड़ा सा ही है कि वो रिट्रीव भी करता है, पॉइंट भी करता है। सो थोड़ा सा हार्डी इन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव उसको देखा जाता है। बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि देयर इज़ नथिंग टू मैच अ पॉइंटर, द वे द डॉग वर्क्स, उसकी जो एलिगेंस है, उसमें जो नोबिलिटी है। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ डॉग जो कि एक फास्ट पेस काम करता हो, एक नोबल डॉग, आई थिंक पॉइंटर्स का कोई मैच नहीं है। बट देन ऑफ कोर्स रिट्रीवर्स और लैब्राडोर्स जो हैं वो रिट्रीविंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और रिट्रीविंग ऑफ गेम एंड देयर गुड डॉग्स एज वेल। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स फिर अगर आपने स्पेशलाइज जाना है तो आई थिंक द पॉइंटर्स वन ऑफ द डॉग दैट्स लीग अपार्ट फ्रॉम द अदर। शिफान साहब, प्लीज टेल मी अबाउट योर जर्नी, हाउ इट कम्स टू योर लाइफ एंड हाउ इट गोज। Dogs have always been in the family. हमारे ancestral जितने भी हैं, side, mother side, father side, और even मेरी जो wife की family है, they have always had pets. और मेरे जो नाना थे, he used to keep German shepherds और train करते थे उनको। और similarly जो मेरी father की side है, उनकी मेरी जो फुप्पोज हैं, उन्होंने भी dogs शुरू से रखे हैं। Plus जो मेरी wife की family है, उनको भी जानवरों का शौक़ था। सो दैट हैज़ ट्रांसलेटेड इन टू दी एंटायर फैमिली। और इसी तरह मेरी बेटी को भी शौक़ है एनिमल्स का, छोटे बेटे को भी शौक़ है। सो सिंस चाइल्डहुड हमने हमेशा जानवर देखे हैं घर पे, वी हैड डॉग और डिफरेंट बर्ड्स भी पाले हमने। सो उसी तरह वो शौक़ फिर हंटिंग का भी शौक़ था, वो फैमिली में था। माई फादर, माई ग्रैंड फादर, मेरे मामू, मेरे फादर इन लॉ सारे हंटिंग के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। तो इसी तरह फिर हमें शौक़ के साथ गन डॉग्स का शौक इसी तरह रहा कि टू कीप डॉग्स फॉर हंटिंग। बेसिकली हमने कुत्ते जितने भी रखे हैं पहले शिकार के लिए रखते थे प्योरली, तो उसके साथ साथ फिर पेडिग्री डॉग्स रखना शुरू किए एंड देन डॉग शोज पे जाना शुरू किया। सो दैट्स द जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड। आई हैव ऑलवेज बीन विद एनिमल्स
और आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो डॉग शोज एंड थोड़ा सा कुत्ते बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए. सो दैट्स बीन द जर्नी. जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे गन डॉग में काफ़ी फैंसियर्स अब इन्वॉल्व हो गए हैं. आप नए फैंसियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, गन डॉग अगर FCI के उससे आए तो ग्रुप 7 और 8 होता है. 7 इज पॉइंटर्स और 8 रिट्रीवर्स हैं. और गन डॉग्स आर वेरी गुड पेट्स एज वेल, क्योंकि दे आर ट्रेंड स्पेसिफिकली कि ये ओबीडियंट हों और वर्किंग इन ग्रुप्स कर सकें, लोगों के साथ फ्रेंडली हों. सो गन डॉग्स आर वेरी गुड, दे कैन मेक गुड पेट्स एज वेल. और जो गन डॉग फैंसियर्स जो नए हैं एक्सपायरिंग हैं, उनको मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अपने जो जानवर हैं, जो डॉग्स हैं, दे शुड कम फ्रॉम गुड कैनल, दे शुड बी गुड पेडिग्री डॉग. बेसिकली पेडिग्री का जो एडवांटेज होता है कि इट टेल्स यू अबाउट द डॉग, उसका क्या, उसकी पेरेंट, उसकी लाइनेज क्या है, उसकी वो किस कैनल से आया है. और इट मेक्स इट वेरी ईजी फॉर यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपके कुत्ते के क्या क्या डिवेलपमेंट के एरियाज हो सकते हैं या क्या स्ट्रॉन्ग एरिया हैं. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जितने लोग भी कुत्ते रखते हैं, गन डॉग या एनी डॉग, कोशिश करें कि गेट इट फ्रॉम अ रिप्यूटेबल ब्रीडर, और ताकि आपको उसकी पेडिग्री भी मिले और आपको पता हो कि कुत्ते की हेल्थ भी अच्छी है और वो आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजार सके. डू यू थिंक दैट अ गुड शोइंग गन डॉग्स इक्वल गुड इन फील्ड? देखिए जी, दिस इज अ वेरी बिग डिबेट, और ये पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली जो लोग अपने कुत्तों को यूज़ करते हैं फील्ड ट्रायल्स के लिए या हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस पर एक डिबेट चलती है. देखिए जी, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शो इंश्योर करता है कि कुत्ते का, एक तो पेडिग्री इंश्योर करता है कि कुत्ता पेडिग्री कुत्ता होता है, उसकी आपको पता चल जाता है उसके पेरेंट्स कौन से हैं. अदर देन दैट, जो कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन बेसिकली मीन्स कि द डॉग स्ट्रक्चर, अ वेल स्ट्रक्चर्ड डॉग, जिसकी अगर अच्छा स्ट्रक्चर होगा, उसका प्रॉपर उसका हेड होगा, उसके लंग्स प्रॉपर डेवलप्ड होंगे, उसका रिब केज, उसकी पूरी एनाटमी अच्छी प्रॉपरली डेवलप्ड और स्ट्रक्चर्ड होगी, तो दैट डॉग कैन वर्क इन द फील्ड. फील्ड में बेसिकली कुत्ते को लॉन्ग पीरियड्स के लिए काम करना पड़ता है. लैब्राडोर्स या रिट्रीवर्स को ठंडे पानी में जाके रिट्रीव करना पड़ता है फॉर द एंटायर डे. और अगर एक कुत्ता सही कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा तो वो रिट्रीविंग में उसको प्रॉब्लम आएगी. सिमिलरली अगर पॉइंटर है, इट्स अ वेल कंस्ट्रक्टेड पॉइंटर, कैन वर्क फॉर आवर्स इन द फील्ड. तो बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि द डॉग शुड बी वर्कड एज वेल फ्रॉम अ कैनल, या आप ऐसी लाइन से कुत्ते लें जहाँ उन्होंने वर्किंग पे लगे हों. So then the dogs have a lot of prey drive as well. Do you think a play drive is more important than the dog? Sir, dekhiye, it's 50-50 for me. The drive is very important. The dog's behavior, the dog's attitude is very important. Uske andar prey drive hogi to it's very kutta acha kaam karega. But of course, if a dog has poor construction, poor conformation, to shayad jitni bhi prey drive ho, to wo kutta shayad field mein perform nahi kar sakega. So it's a bit of both, but I think prey drive is very important for any working gun dog. What is the most popular breed of gun dog in the world according to you? Acha ji, dekhiye, overall agar aap dekhenge US mein bhi stats uthayenge, ya if you pick up the stats in UK and in Europe, to gun dogs mein jo sabse popular kutte is waqt hain wo the labradors hain by a long shot. I don't remember the exact statistic, but I think every fourth dog in the US maybe is a labrador. But of course it depends on aapka apna personal preference kya hai. But golden retrievers are also very popular abroad. Labradors aapko maine already bataya, they are very popular. And setters bhi hain, lekin I think labradors or retrievers in terms of pet homes and in shows, the number of dogs jo hote hain wo hamesha higher side ke honge. What is your favorite breed among gun dogs? I think pointers would be the number one breed जो मुझे पसंद है. number one जो उनकी एक attitude है, the noble persona that they carry, and the speed and agility जो उनके अंदर, I think किसी भी dog breed में इतना वो exemplify नहीं होता. Labradors come in second, but I think pointers merely, अगर आप पूछेंगे, they're the most my most favorite gun dog. हमारे new fanciers को पाकिस्तान में रखने के लिए कौन सी ब्रीड गन डॉग की है जो आप उनको रिकमेंड करते हैं? सर देखिए, हमारा एनवायरनमेंट इज़ वेरी हार्श, समर्स आर वेरी वेरी हॉट, और विंटर्स का इतना इशू नहीं है. आई थिंक पाकिस्तान में उससे ठंड नहीं पड़ती जो कुत्तों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हो, एक्सेप्ट आई थिंक दिसंबर और जनवरी का मंथ. सो ओवरऑल जो
डॉग्स टू कीप इनसाइड या अगर आपने कैनिन में भी रखे हैं, लैब्राडोर और पॉइंटर्स दोनों दे कैन बी गुड डॉग्स दैट यू कैन कीप एट होम। इंडोर आप रखेंगे तो शायद पॉइंटर उस तरह शेडिंग नहीं करता, बट ऑफ कोर्स लैब्राडोर्स आर मोर कडली और बच्चों को ज़्यादा, वो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी, बच्चे इन्जॉय करते हैं उसको। बट आई थिंक समर्स में वी यू नीड टू टेक केयर ऑफ आर डॉग्स। मार्च ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में बहुत गर्मी है टिल अराउंड सितंबर। हाउ डू यू फाइंड गन डॉग स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान? आई थिंक द स्टैंडर्ड्स हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली ओवर द इयर्स। बहुत सारे अच्छे कुत्ते इम्पोर्ट भी हुए हैं, बट अदर देन द इम्पोर्ट आई थिंक अब लोकल कुत्ते की जो प्रोडक्शन, जो ब्रीडिंग हो रही है, वी हैव सम वेरी गुड लोकल ब्रेड डॉग्स एज वेल एंड दे कैन डू वंडर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक दैट्स टेस्टमेंट कि द क्वालिटी ऑफ द डॉग्स हैव इम्प्रूव्ड इन पाकिस्तान। वी हैव सम वेरी गुड लोकल ब्रेड पॉइंटर्स, गोल्डन रिट्रीवर्स, लैब्राडोर, एंड मेरे ख्याल से अगर आप उनको किसी भी डॉग शो में बाहर भी लेके जाएंगे तो दे विल डू अ गुड जॉब। वुड यू प्लीज एलैबोरेट द एनाटॉमी ऑफ पॉपुलर गन डॉग्स इन पाकिस्तान लाइक लैब्राडोर, पॉइंटर्स, गोल्डन रिट्रीवर एंड जर्मन शॉर्ट पॉइंटर्स? अच्छा, वेरी ब्रीफली, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, अगर इसको मैं बड़ा क्रिस्प करके आपको बताऊँ। देखिए, पॉइंटर इज अ डॉग दैट इज अ सेट ऑफ कर्व्स। The dog is very curvy. The rib cage is well sprung. It's just like a beehive. और इसका जो head है, which is a very important feature of the dog. अक्सर pointers में पाकिस्तान में काफ़ी debate भी उस पर होती है. So it should be a well constructed head. Overdone नहीं होना चाहिए. The ears should have fine leather. And overall the dog, जो उसकी movement है, उसमें it's very important that the dog should be a very curvy dog. रिप केज और उसका जो लेग्स हैं वो प्रॉपर, जब उसके जब वो मूवमेंट होती है, इट शुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। अगर मैं लैब्राडोर्स की बात करूँ तो लैब्राडोर्स आर मोर ऑफ अ डॉग दैट्स यूज्ड इन द वाटर टू रिट्रीव। सो इट्स अ डॉग जो कि उसका जो बैरल शेप, उसकी जो रिप केज है टू द रेयर ऑफ द डॉग, उसकी ऑटर टेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ईयर्स, उसकी हेड। जर्मन शॉर्ट है पॉइंटर्स जो है, दे आर मोर ऑफ अ ड्यूल पर्पज डॉग, इट्स यूज फॉर रिट्रीविंग एंड पॉइंटिंग। तो उसमें उसका जो कोट है, इट्स अ बिट मोर थिकर देन द पॉइंटर, एंड ओवरऑल उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, उसके भी रिब केज शुड बी वेल स्ट्रंग, बिकॉज ये कुत्ते सारे जब वर्क करते हैं, दे नीड गुड लंग्स टू वर्क इन द फील्ड। गोल्डन रिट्रीवर का जो है, इट्स मोर सिमिलर टू द लैब्राडोर, इट हैज़ अ थिकर कोट, गुड वेल स्ट्रंग रिब केज, बट उसका जो कोट है एंड उसकी जो टेल इज़ मोर, इट हैज़, इट्स मोर फेदरी ऑफ सॉर्ट, जबकि लैब्राडोर की मोर राउंडेड एक ऑटर टेल होती है। सो ओवरऑल आई थिंक जो गोल्डन रिट्रीवर्स में भी उसका जो कोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ वेरी डेंस, वेरी थिक, वेरी फ्लैम्बॉयंट कोट, जो आई थिंक गोल्डन रिट्रीवर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू शिफान सैमुअल साहब फॉर द वंडरफुल वर्ड्स विद अस। थैंक यू सो मच। द प्लेजर इज बीइंग माइन सर। थैंक यू वेरी मच।